press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेस कैमी। और आज ये लेकर आया हूँ मैं आपके लिए जो वीडियो, इसमें ये है ट्रेनिंग स्पोर्ट्स का पार्ट 3। गाइस, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स का पार्ट 1 और 2 मैंने बहुत पहले आपको डाल दिया था, बट अभी भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद भी दो टॉपिक हमारे रह गए थे जो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, सर्किट ट्रेनिंग एंड हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो ये दो ट्रेनिंग को हम समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन, इंपैक्ट और जो भी चीजें हैं सारी चीजें हम पढ़ेंगे और जानेंगे इन दोनों के बारे में सही तरीके से, ताकि आप लोगों को इन ये दोनों के भी डाउट्स क्लियर हो सके। इसके अलावा ये मेरे चैनल पे काफी दिनों बाद वीडियो आई है, मैं रीजंस नहीं दूंगा इसके कुछ खास, बट मैं एक दूसरे चैनल पे वर्क कर रहा था तो इसलिए यही मेन रीजन है। और अगर आप वो चैनल देखना चाहते हैं तो एक गेमिंग का चैनल मैंने स्टार्ट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। वीडियोस पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। गाइस, तो अभी मैं इस वीडियो पर आता हूँ वापस, तो ये आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्किट ट्रेनिंग के बारे में। सर्किट ट्रेनिंग होती है, सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। यानी एक आपका सही तरीके से प्लानिंग करके आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस को करते हो, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइजेस आप नॉर्मली भी करते हो, जिम में करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, मैं मतलब वैसे कह रहा हूं कि जो लोग करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो लेकिन सर्किट ट्रेनिंग में अंतर क्या होता है, ये आरी मॉर्गन और जीटी एडमसन ने डेवलप करी थी, दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से थे, कहां के, लीड्स इंग्लैंड के, और ये पहली बार इंट्रोड्यूस की थी 1957 में। बाद में 1979 में स्कोलिश ने थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी थी सर्किट ट्रेनिंग को, और उसने नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस दी थी जो हम सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि तरह तरह के एक्सरसाइजेस बताई थी जो हम सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको मैंने सर्किट ट्रेनिंग को स्पेशली आपको समझाया नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको मैं छोटा सा उसमें बोलूं तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, आप एक एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद दूसरी करते हो, फिर तीसरी करते हो, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज, एक जब आप पार्ट बाय पार्ट करते चले जाते हो, दो मिनट इतनी, दो मिनट इसको, पांच मिनट इसको, इसको हम बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। स्टेशन होते हैं इसमें तरह तरह के, ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। पहले आप इसका यूज समझते हैं, क्यों किया जाता है सर्किट ट्रेनिंग को। इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्किट ट्रेनिंग को ताकि हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकें, अपनी पावर को डेवलप कर सकें, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो सभी चीजें जो आप नॉर्मली एक्सरसाइज करके डेवलप करने की कोशिश करते हो, वही सब चीजें आप सर्किट ट्रेनिंग से भी यूज करके डेवलप कर सकते हो, वो भी एट अ फास्ट रेट। लेकिन सर्किट ट्रेनिंग आप हर बार नहीं कर सकते, यानी कि रोज रोज सर्किट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वीक में वन टाइम और मंथ में टू टाइम्स ये आप कर सकते हो उस तरीके से, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सर्किट ट्रेनिंग इज नॉट अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सर्किट ट्रेनिंग में होता क्या गया है। तो सर्किट ट्रेनिंग ज्यादा पॉपुलर है दूसरे ट्रेनिंग मेथड के कंपैरिजन में। जो सर्किट ट्रेनिंग होती है एक फॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, जिसमें एथलीट क्या करते हैं, कई सारी सिलेक्टेड एक्सरसाइज होती हैं बाय द ट्रेनर या बाय हिमसेल्फ, वो उन सीरीज ऑफ एक्सरसाइज से एक एक करके जाता है जो एक सर्किट के अंदर अरेंज हो रखे हो सही तरीके से। सर्किट को हम सेटअप कर सकते हैं अंदर भी और बाहर भी, और इवन हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑफ रूफ्स पे, छत के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजली 5 से 10 स्टेशन होते हैं एक सर्किट में, और इसमें पहले स्टेशन पे एक एक्सरसाइज करी, 5 से 10 जो भी एक्सरसाइज का टाइम लगा उसको, उसके बाद या लोड कर रखा होगा, नेक्स्ट स्टेशन पे गया वहां पे करी, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते रहते हैं। रेस्ट का कुछ होते तो पर्टिकुलरली वो भी बता रखा होता है। जो एथलीट होता है वो एक्सरसाइज करता है हर स्टेशन पे फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेशन और फॉर फिक्स ड्यूरेशन, यानी उसका सेट होता है कि मुझे इतने नंबर ऑफ रेप्स मारने हैं इस स्टेशन पे, या इतने टाइम ड्यूरेशन में, मतलब 10 से 20 सेकंड मेरे को यहाँ पे ये एक्सरसाइज करनी है, और फिर वो नेक्स्ट स्टेशन पे चल देता आगे। इसी तरीके से ही जो एथलीट होता है वो अपने सर्किट को कंप्लीट कर पाता है। एक वेल कंडीशन जो सही न्यूट्रिशन ले रहा है, सही तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा है, वो क्या होगा, उसको फास्टर और टफर एक्सरसाइज मिलेगी, यानी कि ज्यादा तेजी और ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज मिलेगी एज कंपेयर टू बिगिनर शुरुआत के समय। जनरली जो ये एक्सरसाइज होती है इस तरीके से अरेंज होती है कि एक्सरसाइज सिमिलर बॉडी पार्ट्स के लिए एक दूसरे को फॉलो नहीं करती सिक्वेंशियली, यानी कि अगर आपने बाइसेप्स करे हैं तो आपके जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो ट्राइसेप की नहीं होगी, ठीक है, बैक की हो सकती है, चेस्ट की हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग इज फास्ट पेस बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट मेथड, ठीक है, ये होता है फास्ट पेस बॉडी कंडीशनिंग वर्कआउट मेथड, यानी कि आप इसमें शरीर को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे होते रिकवर करने का, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते चले जाते हो, और दैट कंबाइन सेवरल
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी कि सर्किट ट्रेनिंग सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं होती है, इसके अंदर हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड होती है। ठीक है, 4 to 10 एक्सरसाइज लगभग यूज होती हैं एक सर्किट को बनाने के लिए पूरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें भी एक सर्किट है। सबसे पहले 60 seconds स्क्वाट करनी है, फिर पुशअप्स करना है आपको सेकंड सेशन पे जाके 60 seconds, थर्ड में आपको जंपिंग जैक करने 30 seconds, फिर लंजेस करने हैं 45 seconds, फिर प्लैंक करना है 30 seconds, और फिर साइड लिफ्ट करने हैं 30 seconds। ये ज्यादातर आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेस है। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जो सर्किट ट्रेनिंग होती है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक सर्किट ट्रेनिंग जो कंटिन्यूअसली करोगे, इस तरीके से एक एथलीट क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है इंटेंसिटी बिलो 60% ऑफ द मैक्सिमम, यानी कि जितनी उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसकी 60% लेस पे वो कर पाएगा एक्सरसाइज। सिंस द इंटेंसिटी लेस, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती है, तो एथलीट क्या कर सकता है, एक्सरसाइज को हर सेशन पे कर सकता है एक के बाद एक पे। ठीक है, आप इस तरीके से डिसाइड करते हैं एक्सरसाइजेस कि उसकी इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम से 60% कम हो। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो एथलीट होता है वो एक के बाद एक ही एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रिकवरी पॉज के, यानी उसकी रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं आती। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस सर्किट ट्रेनिंग मेथड। इसलिए इसे कंटीन्यूअस सर्किट ट्रेनिंग मेथड कहते हैं, यानी कोई रेस्ट नहीं होता है, पहले एक्सरसाइज करी फिर नेक्स्ट में गए फिर नेक्स्ट में गए, कोई रेस्ट नहीं हो रहा कहीं पे भी। सर्किट ट्रेनिंग डन विद इंटरवल्स ऑफ सफिशिएंट रिकवरी। दूसरा मेथड है कि आप क्या कर रहे हो, सर्किट ट्रेनिंग कर तो रहे हो लेकिन इंटरवल्स ऑफ इनसफिशिएंट रिकवरी, यानी कि आप यहां पे रिकवरी का टाइम दे रहे हो। ठीक है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा रिकवरी कर सके। ये जो मेथड होता है हायर इंटेंसिटी के साथ किया जाता है, जो 60% ऑफ द मैक्सिमम से ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा इंटेंसिटी होती है क्योंकि एथलीट जो होता है हायर इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करता है, तो उसको इंटरवल चाहिए होते हैं रेस्ट के, दो स्टेशन के बीच में। तो उसको रेस्ट देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं देते हैं, इतना देते हैं कि बस थोड़ा काम हो जाए, उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए एक्सरसाइज के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, नेचर ऑफ एक्सरसाइज के बेसिस पे कि किस तरीके एक्सरसाइज हम उसके अंदर कर रहे हैं उसके बेसिस पे। जनरल सर्किट ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, इस टाइप में जो अलग अलग मसल ग्रुप्स होते हैं इनको एक्सरसाइज देते हैं रोटेशन में, यानी कि जनरल एक्सरसाइज जो होती हैं ये हम कर सकते हैं इस मेथड से। मेथड जनरल सर्किट ट्रेनिंग का कुछ इस तरीके से, ड्यूरेशन लगभग 10 से 12 वीक रहेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 दिन एक वीक में, नंबर ऑफ सर्किट टू परफॉर्म, 2 circuits परफॉर्म करने हैं, टोटल टाइम 30 minutes, मैक्सिमम लोड आपको कितना रखना है, 40% to 55%, तो ये लेस देन 60% हो गया। रिपीटिशंस एज मैनी एज पॉसिबल इन 30 seconds, रिपीटिशन ज्यादा से ज्यादा करना है 30 seconds के अंदर, और रेस्ट 15 seconds हर दो स्टेशन के बीच में आपको करना है, 15 seconds का सिर्फ रेस्ट रखना है। एक ये हो गया जनरल सर्किट ट्रेनिंग मेथड। ये एक और एग्जांपल है सर्किट ट्रेनिंग का, देख सकते हो आप स्टेशन नंबर 1 पे आपने क्या किया है, रनिंग की है 440 यार्ड्स की, सेकंड पे पुशअप पुलअप्स, और इस तरीके से बाकी एक्सरसाइजेस आपने एक के बाद एक करते चले गए। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग। स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, इस टाइप में स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स को एक्सरसाइज देते हैं हर सेशन पे, यानी कि पिछले में क्या हो रहा था, रोटेशन में हो रही थी एक्सरसाइज, कभी इसकी कभी उसकी, यहाँ पे हम खास तरीके से किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को देते हैं एक्सरसाइज हर स्टेशन पे। जैसे कि एक्सरसाइज सिमिलर होती है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेस की, यानी कितना स्ट्रेस पड़ रहा है उससे ही सिमिलर होती है एक्सरसाइज। एग्जाम्पल के तौर पर जो स्किल्स होगी गेम की वो हम सीख सकते हैं सर्किट ट्रेनिंग की मदद से। कैसे, अभी आप इसको समझोगे आगे पता चल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग डिजाइन टू डेवलप द स्किल्स ऑफ हॉकी। अभी ये देखो, ये स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग को डिजाइन किया गया है ताकि स्किल्स को डेवलप करें हॉकी की, यानी कि आपको हॉकी के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ उल्टी सीधी एक्सरसाइज, मतलब उल्टी सीधी तो नहीं कहूंगा लेकिन वो एक्सरसाइज करनी जरूरी नहीं है जो हर कोई वेट ट्रेनर कर रहा है या कुछ, आप डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आप साथ के साथ हॉकी भी सीख सको। इसलिए ये आपकी कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग भी करता है, यानी कि गेम की भी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। जैसे कि पहले स्टेशन है यहाँ पर 10 balls को कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हैं, सेकंड में स्कूप कर रहे हैं 10 balls को पूरी की पूरी फोर्स से, थर्ड में ड्रिबलिंग कर रहे हैं 5 stops के बीच में जो 6 feet अपार्ट है, फोर्थ में स्टॉप कर रहे हैं 10 hits को, फिफ्थ में 10 reverse flicks कर रहे हैं, सिक्स्थ में डोज कर रहे हैं ओपोनेंट को लेफ्ट में 5 times और राइट में 5 times। तो ये देख रहे हो आप, इससे आपकी हॉकी गेम भी डेवलप हो रही है, स्किल भी डेवलप हो रही है। तो सर्किट ट्रेनिंग में जो लोड होना चाहिए उसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना चाहिए और अडेप्टेशन के साथ ही बढ़ाना चाहिए। जब आप उसे अडेप्ट करते जा रहे हो उस हिसाब से जो लोड है उसको इन मेथड से अडेप्ट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सॉरी, आप डिफिकल्ट एक्सरसाइज को चूज कर, मुश्किल एक्सरसाइज को चूज कर सकते हो,
या फिर आप कह सकते हो इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज को करने के, या फिर आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो, या फिर आप अपने नंबर ऑफ स्टेशंस बढ़ा सकते हो सर्किट में, और फाइनली एक सर्किट को कंटिन्यूसली आप बार बार कर सकते हो, यानी कि दो बार अगर आपको कह रखा है सर्किट करने को तो आप तीन बार कर सकते हो। सर्किट ट्रेनिंग के बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे फायदे हैं, टोटल फिटनेस डेवलप होती है अंदर से पूरे शरीर के, एक इंटरेस्टिंग एनवायरमेंट देता है, आपका इंटरेस्ट आता है एक्सरसाइज करने में, जो भी आपकी ट्रेनिंग है उसमें लोड आप इंक्रीज कर सकते हो टाइम टू टाइम, और ये लार्ज ग्रुप्स तक को अकोमोडेट कर सकता है। इसके बाद हमारा जाता है सेकंड, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन और उसका इंपैक्ट। एथलीट्स आपके ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं, वो हम देखते हैं कि क्यों करते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ज्यादातर एथलीट्स करते हैं जो अपना एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपने किसी भी काम को करने को या फिर जो भी स्पोर्ट खेल रहे हैं उसमें वो ज्यादा देर तक उस चीज को कर सकें, इसलिए वो करते हैं हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। प्रेफरेबली इसको किया जाता है 8000 फीट ऊपर किया जाता है सी लेवल के। ये क्यों किया जाता है? जल्दी इसे किया जाता है कॉम्पिटिशन को प्रिपेयर करने के लिए। अब ये वेल नोन फैक्ट है कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनकी हाई कंसेंट्रेशन होती है सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स की, जिससे ये होता है एंड्योरेंस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द पीपल हु रिजाइड एट सी लेवल। जो सी लेवल पर रहते हैं उनसे एंड्योरेंस काफी बढ़ जाता है, यही कारण है कि ये लोग वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं, जिससे इनका भी एंड्योरेंस बढ़ जाता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं सर्कुलेटिंग वो भी बढ़ जाते हैं। 1968 मेक्सिको ओलंपिक्स के टाइम पे पुअर परफॉर्मेंस वाज एक्सपीरियंस डिस्टेंस रनिंग एज वेल एज इन स्विमिंग इवेंट्स लास्टिंग ओवर 2.5 मिनट्स। तो मेक्सिको ओलंपिक्स हुए थे 1968 के, वहां पर बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस हुई थी लोगों की डिस्टेंस रनिंग में और स्विमिंग इवेंट्स में भी, जो 2.5 मिनट्स तक ही थे उसमें भी। तो इसके जो पुअर परफॉर्मेंस का कोर्स था वो ये था कि मेक्सिको सिटी का हाई एल्टीट्यूड है, यानी कि कितना है वो 7546 फीट सी लेवल से ऊपर। अब ये इंडिकेट करता है कि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। एथलीट जो होते हैं, ये जो आपका ओलंपिक का इवेंट भी होता है ये भी इतनी हाइट पे हुआ था, तो वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। एथलीट ट्रेनिंग करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे कॉम्पिटिशन से पहले, ताकि उनका जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे, और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करने के बाद 14 दिन के बाद वो कॉम्पिटिशन में जाते हैं लोअर एलिवेशन में नीचे आके, और जहां पे एडवांटेज लेते हैं जो उनके शरीर में बदलाव हुए होते हैं उसके। अब हाई एल्टीट्यूड का प्रभाव क्या पड़ता है? हाई एल्टीट्यूड पे जो एयर प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है रेड ब्लड सेल में, वो भी बहुत धीरे धीरे होती है। तो अब ये जो धीरे धीरे रेड ब्लड सेल्स में डिफ्यूज हो रही है ऑक्सीजन, तो रेड ब्लड सेल्स अगर कम होंगे तो ऑक्सीजन कमी आएगी। अब इस कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन की कमी को, तो क्या होता है, एक बॉडी हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एराइथ्रोपोएटिन, ठीक है, ईपीओ। और ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है हमारे प्रोडक्शन को, मोर रेड ब्लड सेल्स को, कि ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बने, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन डिलीवरी हो सके मसल से। हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने से आपको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर एथलीट्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन पे चले जाते हैं नीचे लेवल पे, और एडवांटेज लेते हैं जो उनका शरीर में बदलाव आ जाते हैं उसके। ज्यादातर जो स्टडीज है वो ये इंडिकेट करती है कि जो आइडिया है एडवांटेज लेने का बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के हाई एल्टीट्यूड पे, ये एक नेचुरल ब्लड डोपिंग इफेक्ट है, यानी कि जिस तरीके से लोग डोपिंग करते हैं, स्टूडेंट्स लेते हैं, ये सब करते हैं, उसकी जगह आप अगर इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग लेते हो तो एक तरीके से नेचुरल ब्लड डोपिंग हो रही है, ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप प्रिपेरेशन भी बेस्ट तरीके से करो, क्योंकि जहां पे जो ब्लड है वो अपने रेड सेल वॉल्यूम को बढ़ा रहा है लोअर एबिलिटी ऑक्सीजन, तो इस वजह से वीओ टू मैक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बस इस चैप्टर में इतना ही था गाइस, ये कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है, आजकल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाल ही रहा था, तो फिर मैंने आपको सोचा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं। तो डिफाइन सर्किट ट्रेनिंग 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ये आप लिख सकते हो इसके बारे में इस चैप्टर जो मैंने अभी समझाया उसके थ्रू। राइट द टेक्निक्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग 1 मार्क, व्हाट डू यू मीन बाय हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग 1 मार्क, व्हाट इज स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग 3 मार्क्स, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग 3 मार्क्स, व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग 3 मार्क्स, सर्किट ट्रेनिंग देखिए 1 मार्क में भी 3 मार्क्स में भी है, और इसके बाद व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग 5 मार्क्स, एक्सप्लेन सर्किट ट्रेनिंग 5 मार्क्स। तो सर्किट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 3, 5 मार्क्स तीनों तरीके में आ सकता है। एक्सप्लेन द इंपैक्ट्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग 5 मार्क्स। तो गाइस दोनों ही टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है, बट सर्किट ट्रेनिंग इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो गाइस तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज गाइस एक बार मेरे गेमिंग वाले चैनल को भी विजिट करके देखेगा, आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और गाइस अगर आपको मेरे को एक आपसे चीज और पूछनी है कि आपको इस तरीके के अभी इस चैनल पर और किस तरीके के वीडियो चाहिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, तो मैं मैथ्स की वैसे वीडियोस लाने वाला हूँ कुछ जल्द ही। तो उसके अलावा अगर आप कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।